हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी गांधीनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गुजरात से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन की गई है। यह वैकेंसी परमानेंट बेसिस की है। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं, जिसमें पोजीशन, नंबर ऑफ पोस्ट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सैलरी है 1,44,200 इन एकेडमिक लेवल 14। यहाँ सैलरी रेंज मेंशन की गई है। विद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डीए प्रेजेंटली एप्लीकेबल, द ग्रॉस एक्सक्लूडिंग एचआरए एड्स अप टू ₹2,14,988 पर मंथ। नेक्स्ट में मेंशन किया गया, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एट द कैंपस विद एप्लीकेबल चार्जेज एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अदरवाइज एचआरए विल बी पेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। यहाँ मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, एक्सपीरियंस है एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इसको चेक कर लें। एज लिमिट है 57 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। सेकेंड पोस्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। आउट ऑफ 2, 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट में सैलरी मेंशन की गई है, 79,800 इन एकेडमिक लेवल 12। यहाँ सैलरी रेंज है, विथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डी ए प्रेजेंटली एप्लीकेबल, द ग्रॉस एक्सक्लूडिंग एच आर ए एड्स अप टू ₹1,23,540 पर मंथ। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एच आर ए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। एज लिमिट है 50 ईयर्स, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट में है सैलरी, 57,700 इन एकेडमिक पे लेवल 10। यहाँ रेंज मेंशन की गई है, विथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डी ए प्रेजेंटली एप्लीकेबल, द ग्रॉस एक्सक्लूडिंग एच आर ए एड्स अप टू ₹92,158 पर मंथ। नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एच आर ए प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फोर्थ पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी फोर्थ पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे है 1,23,100 इन पे लेवल 13। यहाँ सैलरी रेंज मेंशन की गई है, विथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डी ए प्रेजेंटली एप्लीकेबल, द ग्रॉस एक्सक्लूडिंग एच आर ए एड्स अप टू ₹1,85,026 पर मंथ। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी विथ एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एच आर ए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे 56,100 है। पे लेवल 10 है। सैलरी रेंज यहाँ मेंशन की गई है, विथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डीए प्रेजेंटली एप्लीकेबल, द ग्रॉस एक्सक्लूडिंग एचआरए एड्स अप टू ₹89,886 पर मंथ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विथ एप्लीकेबल चार्जेज,
अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे है 44,900, पे लेवल 7 है और यहाँ सैलरी रेंज मेंशन की गई है। एक्सक्लूडिंग एचआरए 68,870 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विथ एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है। एज लिमिट है 32 इयर्स और एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे है 35,400, पे लेवल 6 है, यहाँ सैलरी रेंज मेंशन की गई है। एक्सक्लूडिंग एचआरए 55,380 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। अपर एज लिमिट 32 इयर्स है, एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एट पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे है 35,400, पे लेवल 6 है, सैलरी रेंज यहाँ मेंशन की गई है। एक्सक्लूडिंग एचआरए 55,380 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। अपर एज लिमिट है 32 इयर्स, एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। नाइन्थ पोस्ट है असिस्टेंट स्टाफ नर्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। मिनिमम पे है 29,200, पे लेवल 5 है, एक्सक्लूडिंग एचआरए 46,576 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। टेंथ पोस्ट है जूनियर लाइब्रेटरी असिस्टेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है आउट ऑफ 7। टू पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मिनिमम पे है 21,700, पे लेवल 3 है, एक्सक्लूडिंग एचआरए 35,926 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी विद एप्लीकेबल चार्जेज, अदरवाइज एचआरए प्रोवाइड की जाएगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। नेक्स्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसको चेक कर लें। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, एज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है और ये वैकेंसी जो है वो परमानेंट बेसिस की है। नेक्स्ट है नोट सेक्शन। तो यहाँ मेंशन किया गया ऑल द पोजीशन मेंशनड हियर फॉर्म पार्ट ऑफ रेगुलर पोस्ट, तो ये परमानेंट बेसिस की पोस्ट है। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है, यहाँ लिंक मेंशन की गई है, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के सबमिशन का 30 नवंबर 2023। तो कैंडिडेट नेक्स्ट यहाँ मेंशन किया गया एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है, यहाँ लिंक मेंशन की गई है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 30 नवंबर 2023। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ,
वहाँ से नोटिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर लें।